इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम एक नंबर लॉन्च किया गया है 112, जो कि ऑल इन वन है। सभी किस्म की इमरजेंसी के लिए आप इस नंबर को कॉल कर सकते हैं। इस नंबर में आप किन किन सिचुएशन में कॉल कर सकते हैं और इन नंबर को कॉल करने के बाद किस तरीके से काम होगा, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये नंबर में आप तब कॉल कर सकते हैं जब आपको पुलिस का सपोर्ट चाहिए। कहीं भी आप किसी भी किस्म की प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, या फिर आपको कोई परेशान कर रहा है, या फिर आप कहीं भी रात में ट्रैवल कर रहे हैं, आपको डर लग रहा है कि आपको कोई पीछा कर रहा है, या फिर किसी भी सिचुएशन में आपको पुलिस की सपोर्ट चाहिए, तो आप ये नंबर पे डायल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, फायर के लिए जब भी किधर भी अगर आग लग जाती है तो भी आप इस नंबर को कॉल कर सकते हैं। तीसरी चीज़, मेडिकल इमरजेंसी, अगर किसी के यहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी है तो भी आप इस चीज़ को कॉल कर सकते हैं 112 नंबर पे। और इन तीनों को छोड़ के भी अगर आपकी कोई भी इमरजेंसी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो ये सपोर्ट सिस्टम काम कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप कॉल करते हैं 112 पे तो ये डायरेक्ट जाता है इनके PSAP पे। ये PSAP है क्या? ये है पब्लिक सेफ्टी आंसरिंग पॉइंट। ये एक पॉइंट है, यहाँ पे आपका कॉल चला जाएगा। जैसे कि कस्टमर केयर है, वो लोग आपसे पूछेंगे कि क्या है, आपको क्या दिक्कत है, किस चीज़ की इमरजेंसी चाहिए। उसके बाद आपके ये बोलने के बाद तो आपका रीज़न लेकर आपको ट्रैक किया जाएगा और आपका जो एड्रेस भी मतलब ले लिया जाएगा कि किधर आप मतलब आपको हेल्प चाहिए। आपको ट्रेस करने के बाद वो लोग जो है ना एक अलर्ट देंगे, जो कि ये जो 112 के जो नए गाड़ियों को लॉन्च किया गया है उनको जो है ना ये लोग अलर्ट दे देंगे। जो भी नियरेस्ट पॉइंट पे गाड़ी है उसको ये अलर्ट चली जाएगी। वो गाड़ी जो है ना हेड कंट्रोल रूम को रिपोर्ट मतलब कंट्रोल रूम से रिपोर्ट है के होके ही ये गाड़ी को अलर्ट जाएगा। उसके बाद ये गाड़ी जो है ना आपके स्पॉट तक पहुँच के आपकी मदद करेगी और जो भी अगर पब्लिक एक्शन लेना है उस पर एक्शन ले लेगी। ये नंबर जो है ना बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। हमारे लोगों को मतलब उतनी जानकारी नहीं है ये नंबर पे, मतलब नंबर कब कब यूज़ कर सकते हैं, तो आपको इस वीडियो में पूरा सुनने के बाद पता चल गया होगा कि आप कब कब इस पर नंबर 112 पे डायल कर सकते हैं। आप सिर्फ कॉल ही नहीं कर सकते बट कि आप इस पर मैसेज भी कर सकते हैं कि आप 112 पे आप कुछ भी मैसेज भी अगर इमरजेंसी है तो डाल के भेज सकते हैं। सरकार की तरफ से इतनी अच्छी जो सपोर्ट सिस्टम है, ये जो इमरजेंसी नंबर लॉन्च किया गया है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आपके लिए यूज़ में। अब कभी भी किसी भी जगह पे अगर आपको लगे किसी भी पॉइंट पे, या फिर आप कभी भी बाहर निकलते हैं अगर आपको डर लग रहा है, तो आप ये नंबर को यूज़ करके आप अपनी सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लड़कियों को जो ना रेप के केसेस जो ज़्यादा आ रहे हैं, इस चीज़ को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और गरीब लोगों को जब दबाया जाता है तो भी इसमें गरीब आदमी क्या है 112 डायरेक्ट कॉल करके उसमें रिपोर्ट कर सकता है। उसको पुलिस स्टेशन की भी जाने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 112 को कॉल करके पुलिस तुम खुद यहाँ तक आएगी और आपको जो भी शिकायत है उसके ऊपर एक्शन लेगी, और जो भी आदमी आपको जो परेशान कर रहा है उसके ऊपर एक्शन स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। तो आपको इस इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा, आप ये वीडियो सबके साथ शेयर करिए, सबको बताइए कि ये नॉलेज कितनी इंपॉर्टेंट है। ये नॉलेज आपको सबको होना चाहिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।